हमारी टीम का नाम था टीम अंडर डॉग फायर हमारा आगे तीन महीने का था तो हमें सबसे पहले आइडिया भेजना था हमारा आइडिया सेलेक्ट हुआ उसके बाद हमें सोल्यूशन बनाना था फिर हम कैंपस गए एंड वहाँ पे हमने सोल्यूशन दिखाया और फिर हम जीते इसने एक दिन बोला बैठ के कोडिंग करते हैं तू भी आजा मैं इसके साथ लग गया मेरी कोडिंग जर्नी चालू हो गई फिर इसने एक दिन हैकाथन में बुला लिया में चला गया जीत गया इतनी है कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है मुझे तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था <laughs> अगर मैं कौ मुस्कान का फ़ोन हैक करो तो कैसे करोगे उसके लिए हमें पर्सनल एक्सेस चाहिए रहेगा उसका फ़ोन का पहली बार एक बार उसके बाद मैं उसका सिम चेंज कर सकता हूँ सिम कॉपी करा सकता हूँ या उस पर एक ऐप इंस्टॉल करके उसको हाइड करा सकता हूँ उसके बाद मेरे से इसके फ़ोन का सारा डाटा मिल सकता है हम पुणे एक कॉलेज के कैंपस में आए हुए थे तो यहाँ पर हमें एक यंग माइंड्स मिले जो कि स्मार्ट इंडिया हैकेथन में इन लोगों ने इस साल फर्स्ट प्राइज जीता हुआ है वैसे कॉलेज में हम लोग पढ़ाई तो करते ही हैं बहुत लोग मस्ती भी करते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ डिस्कवर करते हैं कुछ नई खोज करते हैं और स्मार्ट इंडिया हैकेथन में ऐसे ही कुछ सारे चैलेंजेस होते हैं उनको सॉल्व करना होता है तो हमारे साथ यहाँ दो टीम्स मौजूद हैं जिन्होंने हैकेथन में ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है और उनसे बात करेंगे कि हैकाथान किस बारे में होती है आप कैसे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और ये लोग क्या क्या मस्ती करते हैं कैंपस में उसके बारे में भी जानेंगे तो इनसे बात करते हैं क्या नाम है आपका आ, मुस्कान अच्छा मुस्कान आ, आप लोगों ने मतलब क्या डिस्कवर किया था और अभी आप टीम का नाम बताया था तो वो बताइए हमारी टीम का नाम था टीम अंडरडॉग्स ऑन फायर हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था बेसिकली हैकेथन में जो गवर्नमेंट होती है वो 400-500 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स देती हैं हमें अपनी पसंद का प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज़ करना होता है गवर्नमेंट uh, वही सारी प्रॉब्लम्स देती है जो एक्चुअली रियल लाइफ में लोगों को होती हैं uh, हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था अबाउट आजकल कल नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के बच्चों को काफ़ी करियर काउंसिलिंग में डाउट्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें कौन सी ब्रांच में जाना है उसकी वजह से बहुत बच्चे इंजीनियरिंग ही करते हैं बहुत बच्चे मेडिकल में ही जाते हैं उनको बाकी ब्रांचेस के बारे में पता नहीं होता है अभी गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है दो साल पहले जिसमें वो लोग साइंस लो कॉमर्स आर्ट्स में डिफरेंस कम करना चाहते हैं जैसे लोग अपनी पसंद की चीज़ें करें तो वो बेसिकली चाहते थे कि हमारे जैसा कोई स्टूडेंट टीम एक ऐसा सल्यूशन प्रपोज़ करे जिससे हम उनकी करियर काउंसलिंग अच्छे से कर पाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एप्लीकेशन बना के तो हमने एक ऐसा मोबाइल ऐप बनाया था जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उनकी करियर काउंसिलिंग कर रहे थे एंड हम पहला प्राइज जीते थे उसमें एक लाख रुपए में प्राइज मनी मिला था सो अच्छा हैकेथन के बारे में ये बताना कि जैसे आ, कोई स्टूडेंट है ठीक है उसको पार्टिसिपेट करना है तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं मतलब क्या क्या पूरा प्रोसेस होता है वो आ, पहले तो आपको टीम बनानी होती है पाँच से सात लोगों की एंड आप कई कई सारे हाकथौन आती हैं पूरे साल में कंपनीज़ की हाकतौन आती है जैसे फ़्लिपकार्ट अमेजन गवर्नमेंट की हाकतौन आती है कॉलेजेस की हाकतौन आती है इसकी लिस्टिंग्स बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होती है आपको गूगल पे मिल जाएंगी पूरे साल आती रहती हैं कई uh, कई हा, हाके में सिर्फ आइडिया प्रपोज करना होता है कई कई हाकेथन में सल्यूशन बनाना होता है तो आपको चाहे बहुत कुछ टेक्निकल में आता है या नहीं आता है आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इट्स आपकी थिंकिंग स्किल पे के ऊपर ज़्यादा होता है दैन बनाने का हमने जो हाकेथन में पार्टिसिपेट किया था हमसे एक्सपेक्टेड था कि हम प्रोटोटाइप बनाएँ हर हाकेथन में नहीं मांगा जाता है तो आप अगर चाहते हैं तो ऑनलाइन जाके आप अपनी टीम को रजिस्टर कर सकते हैं चार से छः लोगों की टीम एंड उसमें अलग अलग टाइम में करना होता है किसी में एक हफ्ता होता है किसी में एक महीना होता है हमारा आगेतौन तीन महीने का था तो हमें सबसे पहले आइडिया भेजना था हमारा आइडिया सेलेक्ट हुआ उसके बाद हमें सोल्यूशन बनाना था फिर हम कैंपस गए एंड वहाँ पे हमने सोल्यूशन दिखाया और फिर हम जीते तो हर हाकतौन का प्रोसेस थोड़ा अलग अलग होता है आप एक बार जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस टाइप के हाकितौन से और आपके लिए क्या प्रेफरेबल है तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं आपकी टीम से कौन कौन है यहाँ पे ये ऋषिकेश है अच्छा अमित मोनिश जतिन के लिए सोचा था कि पहले में हमारा ज्यादा लाइक ज्यादा हमें पहचानते नहीं थे लोग तो अचानक से हमारा राइज हुआ लाइक मुस्काना मेरा तो सो लोग हमें जानने लगे धीरे धीरे लाइक क्लब के वाय

मुनीष कामतीकर तो मुनीश ये बताना कि जो प्रोसेस होता है जैसे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है ठीक है तो वो कैसे सेलेक्ट करते हैं हाँ और आप लोग अपनी टीम कैसे सेलेक्ट करते हो कि हाँ इस बंदे को लेना है इसको लेना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेलेक्ट करते वक्त हम हम देखते हैं कि हमारा इंटरेस्ट किस में है तो हमने अभी जो चूज़ किया था वो एजुकेशनल प्रॉब्लम स्टेटमेंट था तो हम सबको थोड़ा थोड़ा तो उसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में आइडिया था और सोल्यूशन के बारे में आइडिया था तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैसे सेलेक्ट करते हैं और फिर आइडिएशन होता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर तो अगर आइडिएशन में आइडिएशन में हम लोग लाइक uh, आइडिएशन like, में हम लोग को बहुत uh, अच्छे आइडियाज आने लगे तो लाइक वी वी गो हैड विद द लाइक हम उसके uh, प्राउन स्टेटमेंट को लग, uh, ले कर आगे जाते हैं और टीम सिलेक्ट करने का uh, टीम सिलेक्ट करने की बात होती है तो uh, जिसको लाइक like, uh, हर एक स्किल का एक 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 बंदा चाहिए होता है सो फॉर एग्जाम्पल हमारे टीम में दो लोग रिसर्च के थे दो लोग स्पेसिफिकली uh, कोडिंग के थे एंड दो लोग डिज़ाइन के थे तो टीम सिलेक्ट करते वक्त सब प्रोजेक्ट uh, के सब फैक्टर्स का uh, ध्यान रखना पड़ता है तो अच्छा ये बताओ कोडिंग का कौन कौन है यहाँ पे अच्छा कोडिंग की हो यार ये बताना वो जो आइंस्टाइन के साथ हुआ था वो सेब गिरता है तो कोडिंग वाले के साथ ऐसा कुछ होता है क्या आइंस्टाइन के साथ तो पता नहीं क्या हुआ था मुझे तो घसीट लिया गया था कोडिंग में इसने एक दिन बोला बैठ के कोडिंग करते हैं तू भी आजा मैं इसके साथ लग गया मेरी कोडिंग जर्नी चालू हो गई फिर इसने एक दिन हैकाथन में बुला लिया हैकाथन में चला गया जीत गया इतनी है मेरी कोडिंग कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है मुझे तो पढ़ने में भी इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं था <laughs> आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है हाँ बहुत है फर्स्ट uh, ईयर से लेके अब तक मुझे जस्ट मुझे तो लोग बोलते हैं, मैं कोडिंग से ही अडिक्टूँ लाइक like, ऐसा तो बोलते आ रहे हैं uh, कुछ मेरे लाइक फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशन भी मतलब पेरेंट्स के साथ भी बहुत खराब हुआ है क्योंकि मैं कोडिंग ही करता रहता हूँ ऐसा क्या, तो, क्या किया है मैंने लो, लोगों से बात करना छोड़ दिया था बीच में क्योंकि मुझे एक बार लैपटॉप पे बैठ गया तो उठता नहीं था मैं सो so, अभी भी वही प्रॉब्लम है थोड़ा थोड़ा टैकल करने का कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लाइक चार पाँच घंटा तो दे दूँ लोगों को लाइक एक्चुअली जीवित लोगों को ना कि लैपटॉप को बस अच्छा ये बताना यार मैंने सुना है बहुत लोग कोडिंग से ये हैक कर लिया वो हैक कर लिया वो कैसे होता है वो करते हो कुछ आ, उसका सी टी एफ नाम का होता है मतलब कैप्चर द फ्लैग तो वो आ, हैकिंग का एक्सपीरियंस जो आता है कि कोड में क्या होता है अक्सर की कुछ खामियाँ रहती है कि किसी ने गलती से कुछ लिख दिया होगा एंड वो प्रॉब्लम बन जाता है पूरे कोड के लिए अगर आप चाहे तो उसको ढूंढ सकते उसको, हो उसको खामियों को एंड उसमें से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है सो so, वो उसको हैकिंग बोलते हैं लोग सो so, अगर किसी का बहुत ही गंदा टाइप का कोड होगा तो उसका कोड हैक करना बहुत ईजी रहता है सो so, ऐसे रहता है अगर मैं कहूँ मुस्कान का फ़ोन हैक करूँ तो कैसे करोगे उसके लिए हमें पर्सनल एक्सेस चाहिए रहेगा उसका हम फोन का पहली बार एक बार उसके बाद मैं उसका सिम चेंज कर सकता हूँ सिम कॉपी करा सकता हूँ या उस पर एक ऐप इंस्टॉल करके उसको हाइड करा सकता हूँ उसके बाद मेरे लिए इसके फोन का सारा डेटा मिल सकता है और मैं उसको एक ऐप इंस्टॉल करने बोल सकता हूँ एंड उसका इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल प्ले स्टोर से अगर कोई ऐप या एप स्टोर से ऐप नहीं लेते तो वो वेरीफाइड नहीं होते हैं गूगल से या किसी और से सो so वो आपका पूरा डेटा ले सकते हैं इफ़ यू से कि परमिशन हम देते हैं ना हम बिना जानकारी के परमिशन दे देते हैं आपको तो वो आप सारी फॉर्मेशन लेके आपकी इन्फॉर्मेशन भी इधर उधर भेज सकता है खतरनाक आदमी है यार बच के रहना इसे अच्छा ये बताना हैकेथन में जो भी आइडिया आते हैं ठीक है ना तो और पार्टिसिपेट करने का जो प्रोसेस होता है उसमें कॉलेज का क्या रोल होता है आ, स्मार्ट इंडिया हैकेथन के लिए स्पेशली ऐसा होता है कि कॉलेज से कॉलेज अपनी तरफ से पहले पंद्रह टीम भेजता है तो बहुत सारे कॉलेज है कंट्री में जो अपने पंद्रह पंद्रह टीम्स भेजते हैं अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के लिए वो पंद्रह टीम्स वो लोग एक इंटरनल से सेलेक्ट करते हैं तो हमारे कॉलेज में जो भी टीम्स को पार्टिसिपेट करना होता है नेशनली वो अपना नाम देते हैं एंड सबका एक राउंड होता है हमें अपना आइडिया प्रजेंट करना होता है प्रोटोटाइप दिखाना होता है उनको जिसका सबसे अच्छा लगता है वो उन पंद्रह टीम्स को सेलेक्ट करके आगे भेजते हैं एंड वो पंद्रह टीम्स फिर नेशनली कम्पीट करते हैं एंड आगे जाते हैं कॉलेज जा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी प्रोवाइड करता है वो हमें वर्क स्पेस देते हैं काम करने के लिए रात तक अगर ज़रूरत होती है टीचर्स भी मैंटरशिप प्रोवाइड करते हैं हर टीम का एक टीचर मैंटर होता है तो वो भी हमारे साथ जाते हैं हमारी टीचर हमारे साथ नहीं आ पाई थी क्योंकि उनके कुछ फैमिली के रीज़न्स थे बट हम जब वहाँ पर गए थे सेंटर पर मायसोर हमारा सेंटर था वहाँ पर बहुत सारे टीम्स के साथ उनके टीचर्स भी आए थे तो कॉलेज उस तरीके से बहुत सपोर्ट करता है वो हमें टी शर्ट्स भी देते हैं स्टैंडीज देते हैं जो वहाँ पर लेके जाने होता है काफी हेल्प हो जाती है उन सब चीजों से और नेशनल लेवल पे कैसे उसको देखा जाता है कैसे जज किया जाता है आ, वहाँ पे इंडस्ट्री के दो तीन जजेस आते हैं आ, वो लोग जैसे शेल है वो गवर्नमेंट के साथ ही टाइडअप है तो शेल से एक इंजीनियर आएगा एक इंजीनियर मैम थी जो साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर थी वो आई थी साथ साथ एक स्टार्टअप आई एम इंदौर के में इनक्यूबेटेड था वो भी वहाँ पे आए थे आई एम बंगलोर में आ, वो तीनों वहाँ पे थे वो तीनों इंडस्ट्री के थे एंड उनको ऑलरेडी लाइफ प्रोजेक्ट्स कैसे बनते हैं इंडस्ट्री में क्या एक्सेप्टेबल है वो पता होता है वो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं हमारा सोल्यूशन देखते हैं और छत्तीस घंटे में हर छे घंटे पे एक घंटे के बाद वो चेंज कर दो एंड घंटे में छत्तीस घंटे काम करना होता है हाँ छत्तीस घंटे काम करना होता है, हेक्टिक है। हाँ कुछ सोना वगैरह कुछ भी नहीं होता है वहीं पे रहता क्या बताया था उसके बेसिकली हर छे घंटे के बाद इवेल्युए होता है एंड फाइनली हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए आफ्टर छत्तीस घंटे हो जाते हैं वो लोग हमें बुलाते हैं एंड एक हॉल में रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं एंड जो टीम सबसे अच्छा परफॉर्म करती है उसको स्टेज पे प्राइज़ मिलता है हर सेंटर पे अराउंड छः से सात प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स की तीस टीम्स के अराउंड होते हैं उसमें से छः टीम्स जीतते हैं अगर उनको किसी का पसंद नहीं आता तो कोई टीम नहीं जीतती है उसमें अच्छा आपका नाम क्या है आ, अमित पिले अच्छा मुझे ये बताना इनक्यूबेटर क्या होता है पहले तो कौन सा इंक्यूबेटर हो तो अच्छा इंक्यूबेटर होता है क्या है इंक्यूबेशन सेल इन हिंदी हिंदी ओके okay. बड़े कॉलेज में ना इंक्यूबेशन सेल होता है जो छो जो स्टार्टअप्स होता है कभी कभी कॉलेज के अंदर के स्टार्टअप्स होते हैं कभी कभी बाहर के स्टार्टअप्स होते हैं जो कॉलेज़ को अपना अपने आइडिया और अपना पूरा बिजनेस प्लान बताता है एंड अगर कॉलेज को वो बिजनेस प्लान या तो आइडिया पसंद आया तो कॉलेज उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है प्लस स्पेस प्रोवाइड करती है फॉर द uh, सब हिंदी स्पेस okay. प्रोवाइड uh, करती है टू uh, उनका प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए सो so, वो होता है इंक्यूबेशन सेंटर एम आई टी कॉलेज भी स्टार्टअप्स uh, को इंक्यूबेशन सेंटर थ्रू फंड प्रोवाइड करती है एंड उनको प्रमोट करती है कि आप अपना नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कीजिए इनक्यूबेटर इज लाइक एक टेस्टिंग प्लेस पे आपना कर सकते। ऐसा हाँ, ना आप बेसिकली आप अपना बिजनेस प्लान कैसे बना सकते हैं आप अपनी कंपनी को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं पैसे कैसे कमा सकते हैं इसको मार्केट में कैसे बेच सकते हैं उसके लिए जो भी तैयारियाँ होती है वो एक इंक्यूबेटर के अंदर होती है क्योंकि स्टार्टअप्स में पहले पैसा नहीं होता है प्रोडक्ट रेडी नहीं होता है बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है तो उसके लिए पैसे लगते हैं जगह लगती है लोग लगते हैं कॉलेज उन सब के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है वो हमारा पेपर वर्क वगैरह कुछ करके देते हैं एंड वो हेल्प करते हैं कि हम लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर पाए मतलब कॉलेज का एक बड़ा रोल होता है है ना हाँ, अच्छा ये बताइए जो आपने फिर कोड बना दिया जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी अगर इसको आगे चल के एक स्टार्टअप में कन्वर्ट करना है हाँ उसका क्या प्रोसेस है वो कैसे होगा अगर हमारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए हमने गवर्नमेंट के लिए ही ऐप बनाया था तो गवर्नमेंट के लिए जब अगर आप बनाया है तो उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है बट अगर हमारा खुद का कोई लाइफ प्रोजेक्ट होता जो हमने अलग से बनाया था तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपल प्रोसेस होता है आपको बेसिकली अपना आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नाम की एक चीज़ होती है वो सिक्योर करनी पड़ती है उसका कुछ पेपर वर्क रहता है उसके बाद आप लीगली अपना आइडिया पेटेंट कर लेते हैं अब आपका आइडिया कोई लेता है तो आप उस पर केस कर सकते हैं पहले पहला स्टेप वो हो होता है उसके बाद आप उस पर काम चालू करते हैं आप उसको डेवलप करते हैं, एक भी बनाते हैं तो दोनों साथ साथ लॉन्च होता, होता है तो साथ साथ पेपर वर्क वगैरह सारे चलते हैं सोचने का काम चलता है, है, है काफी कुछ साथ में है उसमें अच्छा आप लोगों को एक लाख रूपये मिला है, जी। तो कैसे है सब में? बराबर। बराबर। और कहाँ कहाँ घूमने गए अभी तक तो पैसा आया नहीं है कितने दिन में आता है तीन महीने अच्छा तो क्या प्लान है कहीं जाने का प्लान है देखते हैं अभी तक तो कोई प्लान नहीं है पर देखेंगे पैसे <laughs> आएंगे तो।, तो पैसे आएंगे तो देख लेंगे तो क्या करोगे पैसे का क्या करोगे अब घूमने ही जाएंगे सब लाइक एक लाख रुपए है तो सबका मिला के कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं वैसे एक लाख मिलता नहीं है टैक्स कटता है उस पर तो सिक्सटी फोर थाउजेंड के अराउंड मिलता है ओके अच्छा ये तो बातें हो गई ये बताओ पढ़ाई के साथ साथ आप लोग मस्ती में क्या करते हो कैंपस में Uh, जैसे हम हमारे आपने तो बोला पढ़ने में मने तो क्या करते हो हाँ इसलिए मैं बता रहा हूँ हमारा एक क्लब भी है हम उससे जुड़े हुए हैं तो हमारा आधा टाइम तो उसके काम में निकल जाता है उसी में दोस्तों के साथ मस्त कैसा क्लब इनोवेटर इनोवेशन हब का नाम का एक बहुत बड़ा क्लब है कॉलेज में उसमें बेसिकली वो एक स्टूडेंट काउंसिल है uh, हमारा उसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं ई मैक सी नॉन टेक उसके बच्चे आते हैं वहाँ पे जाके काम करते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स आते हैं इंडस्ट्री से प्रोजेक्ट आते हैं कॉलेज के प्रोजेक्ट्स होते हैं हम उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं इवेंट्स करवाते हैं हम अभी एक यूट्यूबर था एम बी चाय वाला उसका इवेंट हमने करवाया था अभी एक और बड़ा इवेंट आ रहा तो उन सब में हमारा टाइम निकल जाता है उसी में मस्ती भी हो जाती है हमारी ये सब चलता है हमारा अच्छा कोई बंक मारता है कॉलेज से हाँ उसी में बंक भी हो जाता है सबसे ज़्यादा नहीं नहीं हम लोग बंक करते हैं सबसे ज़्यादा बंक मतलब अटेंड तो नहीं करते बट लाइक हम काम करते रहते हैं सो हाँ बोल सकते तो अच्छा था था था। सीखते हाँ सीखते, तो, सीखते रहते हैं बट

मतलब नहीं मन लग रहा पढ़ने में यहाँ पे तो। पास में एक अराई करके हिल टॉप है वहाँ पे लोग जाते हैं कॉलेज के सामने बहुत सारे छोटे छोटे कैफेज है रेस्टोरेंट है तो वहीं पे लोग जाते हैं काफ़ी सस्ते में काफ़ी अच्छा खाना मिल जाता है लोग बंक करके यूज़ली वहीं जाते हैं खाने के लिए यही सब है आसपास ज़्यादातर तो कोथरूड में

अच्छा ये ये बताना कि जैसे बहुत बच्चों की बंक मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोग तो पढ़ने वाले हो हाँ तो बंक तो ठीक है बहुत लोगों की बैक आ जाती है आप में से किसी के आई है नहीं आई हाँ? नहीं, नहीं। नहीं। नहीं है ये। तो क्लास में बहुत लोग मतलब कोई है ऐसा आ, कुछ लोग आती है। तो वो लोग मतलब उनको मैंने सुना है कि आगे चल के प्लेसमेंट में दिक्कत होती है ये वो तो आ, वो कैसे टैकल करते हैं अभी तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है जितनी पहले होती थी पहले कंपनीज तो ब्लैक लिस्ट कर देते थे लोगों को जिनकी बैक रहती थी बट अभी ऐसा रूल है की आपकी अगर सारी बैक क्लियर हो जाती है फाइनल ईयर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है

Okay, तो यहाँ कोई हॉस्टल में, पीजी पीजी, में, पीजी 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 में, में रहता है अच्छा पी जी पी जी में भी मैंने सुना है आ, रहने का कल्चर और खाने वगैरह प्रॉब्लम होता है हाँ, इस मतलब मेनली स्टूडेंट्स के लिए तो घर के बाहर निकलते हैं हम लोग जब भी तो घर वालों को भी चिंता होती है तो वो कोई एक्सपीरियंस बताना हाँ मतलब मेरे पीजी में तो किचन भी नहीं है वो लोग अलाउ नहीं करते किचन रखना तो फ्रिज किचन कुछ भी नहीं है जो खाना है बाहर जाके खाना होता है तो सब लोग जनरली कोई ना कोई एक मेस रेगुलर पकड़ लेते हैं रात को मैंने नहीं पकड़े क्योंकि मैं रोज़ रात को खाती नहीं हूँ जब मेरा मन होता है मैं तभी तो खाती हूँ तो अलग अलग जगह छोटी छोटी जगह पर साठ सत्तर रुपये का थाली वगैरह मिलता है उसमें सब्ज़ी रोटी होता है वही होता है घर जैसा खाना नहीं मिलता है कॉलेज के पास तो कॉलेज का मेस में कोई खाना खाता है नहीं सचमनी अच्छा है क्या नहीं, नहीं नहीं बहुत नहीं। अच्छे हम निकालते बस यहाँ पे मतलब अच्छा नहीं है मतलब लोग लगा के एक्चुअली अच्छा है लाइक कॉलेज का पूरा जो खाने का इधर है ना हम कैंटीन में तो खा, नहीं नहीं खा लेते हैं बट मेस का कैंटीन में खाते है. हैं मेस का काम निकल जाता है हाँ अच्छा तो बहुत कॉस्ट वाइज थोड़ा अलग पड़ जाता है वैरायटी भी नहीं मिलता ज़्यादा मतलब किसी को अगर पिज़्ज़ा खाना हो तो इधर नहीं वेस्ट हो जाएगा इधर का पैसा दिया हुआ तो इसलिए लोग क्या करते नहीं। नहीं हैं फिर क्योंकि फिर कुछ और खाना हो तो फिर वो पैसा चला जाता है उस दिन का वेस्ट हो जाता है मतलब पिज़्ज़ा खाना हो तो कॉलेज के बस में ना ही खाएं तो आपने देखा ये लोग कितने क्यूरियस हैं और स्मार्ट इंडिया हैकेथन के बारे में इन्होंने पूरा बेसिक सब कुछ बताया और पढ़ाई के अलावा भी क्या क्या ये लोग करते हैं तो आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें और जो भी स्टूडेंट्स स्मार्ट इंडिया हेकाथान में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन है ज़रूर देखें रंगडूड को सब्सक्राइब करें और हम लोग हर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं वहाँ पर फॉलो करें